रोमन रेंज WWE के चमकते सितारे हैं। रोमन ऐसे रेसलर हैं जब वह रिंग में खड़े हो जाते हैं तब दूसरे रेसलर्स उन्हें देखकर ही डर जाते हैं। 6 फीट 3 इंच लंबाई और 120 किलो का वजन उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। 9 साल पहले रोमन का WWE में डेब्यू हुआ था और आज WWE का कोई भी शो उनके बिना नहीं होता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रोमन की बायोग्राफी के बारे में, जानेंगे कैसे लीथी जोसेफ इनोवा रोमन रेंज बने, और आप देख रहे हैं हुसैन फैक्ट्स। रोमन का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के शहर पेंसाकूला में हुआ था। उनका रियल नेम लीथी जोसेफ इनोवा है। रोमन की इनोवा फैमिली पूरी तरह से रेसलिंग से जुड़ी हुई है। दी रॉक, उमागा, दी उसो जैसे बड़े नाम इनोवा फैमिली से जुड़े हुए हैं। रोमन के पिता का नाम सीका इनोया है और उनकी माँ का नाम पैट्रिका इनोया है। रोमन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। रोमन ने फुटबॉल में भी अपना काफी नाम कमाया है। रोमन ने जॉर्जिया टेक येलो जैकेट्स की तरफ से फुटबॉल खेला है। रोमन ने 2010 में पहली बार WWE के दरवाजों पर कदम रखा था। रोमन ने WWE के साथ डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर रोमन FCW यानी फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग के साथ जुड़ गए थे। 9 सितंबर 2010 को रोमन ने पहली बार रेसलिंग खेली। उन्होंने अपना रिंग नेम रोमन लीकी रख लिया था और वह अपने पहले ही मैच में रिची स्टीमबोर्ड से हार गए थे। फिर रोमन ने आइडल स्टीवन और बेस ब्रिस्को के साथ मैच किया पर वह उसमें भी हार गए थे। 21 सितंबर को रोमन ने अपना पहला मैच जीता। उन्होंने फैड रैकमैन का तबला बजा दिया था। बाकी का सारा रोमन ने टैग टीम मैच खेलकर बिताए। देखा जाए तो रोमन को अपने शुरुआती दिनों में काफी हारों का सामना करना पड़ा था पर रोमन ने कभी हार नहीं मानी। 2012 में रोमन ने FCW फ्लोरिडा हैवीवेट चैंपियन लियो क्रूगर को हरा दिया था। 5 फरवरी को रोमन ने डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस को भी हरा दिया। फिर FCW फ्लोरिडा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के नंबर 1 कंटेंडर बन गए थे पर वह यह चैंपियनशिप जीत नहीं पाए थे। पर रोमन ने माइक डेल्टन के साथ मिलकर फ्लोरिडा टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली थी। 2012 में WWE ने FCW का नाम बदलकर NXT रख दिया था तो रोमन ने भी अपना नाम बदलकर रोमन लीकी से रोमन रेंज रख लिया था, जिस नाम को आज करोड़ों फैंस जानते हैं। सर्वाइवर सीरीज 2012 में दी शील्ड ने अपना डेब्यू किया। शील्ड ने रायबैक और जॉन सीना पर हमला कर दिया जिस कारण CM पंक ने सर्वाइवर सीरीज का मैच जीत लिया था। फिर शील्ड ने बहुत सारे मैच लड़े पर रोमन रेंज को सिंगल रन का मोमेंट मिला जब उन्होंने 2014 के रॉयल रंबल में एंट्री की और 12 एलिमिनेशन कर डाली पर वह बटिस्टा के हाथों एलिमिनेट हो गए थे। साल 2014 रोमन के लिए बहुत अच्छा रहा था जहां उन्हें स्लैमी अवार्ड सुपरस्टार ऑफ द ईयर भी मिला था। रोमन रेंज अपना क्लीन मैच बिग शो के अंगेंस्ट हारे थे जब सेथ रॉलिंस ने उस मैच में इंटरफेरेंस की थी। रॉयल रंबल 2014 हारने के बाद रोमन ने 2015 की रॉयल रंबल जीत कर ही दम लिया। उसके बाद रोमन का मैच रसलमीनिया 31 में ब्रॉक लेजनर के साथ होना था पर सेथ रॉलिंस ने उनका जह मूवमेंट भी खराब कर दिया था। उन्होंने मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया था और WWE हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। रोमन ने पहली बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 28 नवंबर 2015 में सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में जीती थी और 20 नवंबर 2017 रॉ के शो में मिज को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती, जिसके बाद रोमन ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए थे। समर स्लैम 2018 में ब्रॉक लेजनर को हराकर रोमन पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। फिर रोमन ने गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियन मैच के लिए रसलमीनिया 36 में चैलेंज किया पर कोरोना के कारण यह मैच कैंसिल हो गया था और रोमन तब WWE से चले गए थे। रोमन ने WWE में वापस आकर फीन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने 2020 से 2022 तक अपना टाइटल डिफेंड किया और रसलमीनिया 38 में रोमन रेंज और ब्रॉक लेजनर में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा जिस पर सभी लोगों की नजर टिकी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।